पनीर मशरूम ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे हमने पनीर के अच्छी तरह से स्लाइस कर लिए हैं, मशरूम को साफ़ करके अच्छी तरह से स्लाइस कर लिए हैं और शिमला मिर्च के भी अच्छी तरह से हमने धो के उसे स्लाइस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम जलाएंगे आग, आग जला के उसमें हमने पैन रख देंगे और इसे 10-15 सेकंड के लिए गर्म होने देंगे। आग को थोड़ा हम तेज रखेंगे, थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए और लगभग ये गर्म हो गया है तो थोड़ी सी आँच को मंदी करके हम इसमें अब छोंक के लिए घी या रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। घी डाल दिया है, इसके बाद हम इसको घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे और आग को थोड़ा धीमा कर लेंगे। फिर छोंक के लिए हमने इसके अंदर जीरा, इलायची और लौंग और हींग डाल दिया, तो ये आपको तेज करेंगे और घी है इसलिए ये जल्दी गर्म हो जाता है, तो आप इसे ज़्यादा समय तक गर्म ना करें, इससे आपका ये जीरा और ये इलायची जल्दी सूखती है। इसको 1-2 सेकंड के लिए रखेंगे, लगभग अब ये पक चुका है, हम इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपना प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट है इसमें मिक्स कर देंगे। आप धीमी कर देंगे, उसे रोटेट करेंगे, ध्यान रखेंगे आप कोई भी चीज़ जब इसके अंदर डाल रहे हैं अपने लाइक टमाटर का पेस्ट हो गया या प्याज का पेस्ट हो गया तो आपको धीमा रखें, इससे जलने का खतरा वो कम हो जाता है। तो हम इसको तेज कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार, इसके बाद इसमें टमाटर पाउडर मतलब हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें मिक्स करेंगे और इसे पकने का इंतजार करेंगे। इसको रोटेट कर देंगे, इसके अंदर जो हमारी शिमला मिर्च थी जो हमने स्लाइस की थी इसको मिक्स कर देंगे।
अभी अच्छी तरह से सब सब मिक्स हो चुका है। इसके बाद जो हमारा और टमाटर का पेस्ट है वो से मिक्स कर देंगे। और इसे 1 मिनट तक ऐसे रोटेट करते रहेंगे। और इसको हम ऐसे रोटेट करते रहेंगे, इसके बाद हम अपना जो पनीर के स्लाइसेस है वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये लाइक जो ग्रेवी है वो अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। और हम आज को थोड़ा तेज कर देंगे। इसी के साथ हम पनीर मसाला अगर आप इच्छुक है डालने का तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा ना डालें, ये सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता अगर इसमें यूज़ करते हैं तो। जब आप पनीर डालें तो इसको ज़्यादा फोर्स न लगाएं इसको मिक्स करने में, क्योंकि पनीर के टुकड़े इसमें कर सकते हैं, तो आप इसको स्लोली स्लोली थोड़ा मिक्स करते रहें साथ ही साथ। और हम आपको दोबारा धीमा कर देंगे, पर अब आपको पता ही होगा हमने धीमा क्यों किया है। फाइनली अब उसमें मशरूम ऐड कर देंगे लाइक दिस, एंड थोड़ा फिर हमें धीमे धीमे दोबारा इसको मिक्स करना है, ग्रेवी अच्छी तरह इसमें फैल जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो गए, आपको दोबारा थोड़ा सा तेज कर देंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे बस हाँ थोड़ा सा तेज कर देंगे और ज़्यादा धीमा भी नहीं रखेंगे, तो इसे टाइम पे इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे, जिससे हमारी जो मशरूम है वो उसे थोड़ा पकने में हेल्प मिल जाए और थोड़ा ग्रेवी भी इंक्रीज हो जाए। को जब ये चीज़ें पकती हैं तो जो एक्सेस वाटर है वो स्टीम बन जाता है, मतलब भाप बन जाता है। तो एक अभी एकदम से और डाल देता हूँ, मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी डाला था, तो मैं पूरा 1 कप पानी डाल दिया अराउंड 200 ml, सॉरी 200 ml इज मोर, सो लाइक 1 कप में 50 से 100 ml पानी आता है। एक्चुअली मुझे बता दीजिए तो आप ट्राई कर सकते हैं कितना आता है आप, और मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। धीमी आँच में पकने देंगे और आप इसे किसी चीज़ से ढक भी सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा।
ये 5 से 7 मिनट लेंगे अच्छी तरह से पकने के लिए। तो आप 5 से 7 मिनट के लिए इसे थोड़ा थोड़ा धीरे बीच बीच में आप इसे रोटेट कर सकते हैं विद योर लाइट हैंड्स। अगर आप इसको फोर्स नहीं करेंगे तो हाँ थोड़ा ये पनीर के और टुकड़े हो सकते हैं और थोड़ा सब आपकी ग्रेवी में फैल सकता है। तो बी केयरफुल फॉर डैट। और थोड़ा फास्ट कुकिंग और टाइम को रिड्यूस करने के लिए या फास्ट कुकिंग के लिए आप इसे किसी प्लेट या किसी और कवर से इसे ढक सकते हैं तो इसे ज़्यादा जल्दी ये कुक हो जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट हो गई है और हम इसको धीमे धीमे रोटेट कर रहे हैं और उसका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो स्टीम बन गया मतलब भाप बन गया और ये लगभग तैयार हो चुका है। हम इसको थोड़ा आँच को तेज कर लेंगे और धीमे धीमे रोटेट करेंगे। एंड आई थिंक इस करेक्ट टाइम टू टर्न ऑफ दी फायर लाइक ये सही टाइम है। अब ये एकदम से बन के तैयार हो गया और ज़्यादा पकाने से टेस्ट थोड़ा इसका अच्छा नहीं होगा मतलब थोड़ा टेस्टलेस लगेगा ज़्यादा फूड। सो अभी से ओवर कुकिंग से बचाएंगे और इसे हम आज को टर्न ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि वाटर एकदम से स्टीम बन गया जो एक्स्ट्रा वाटर था। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम हरा धनिया लेंगे उसको हमने पहले से काट लिया और हम इस पर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड कर दिया है और ये आपका थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे इसे मिक्स भी कर देंगे जिससे महक पूरी ग्रेवी और मशरूम पनीर के अंदर अच्छी तरह से फैल जाए। तो ये आपकी मशरूम पनीर ग्रेवी तैयार है।